गाइज ये है बीट एक्सपी मार्व एस स्मार्ट वॉच, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच आप कह सकते हो 800 रुपए के नीचे। ये फ्लिपकार्ट के सेल पे आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए का, जितने का मैंने लिया था। रिसेंटली मैंने चैनल पर आपको इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो दे रखा है, काफी शानदार स्मार्ट वॉच है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मिल जाता है, सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इसके अंदर, आपको सेंसर्स मिलता है, हार्ट रेट, पेडोमीटर, SPO2 मॉनिटर, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है इसके अंदर। आप कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, गेम्स मिल जाता है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, स्टॉक मार्केट, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट ये IP67 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के भी साथ आता है। कुछ दिन में जल्दी मैं वीडियो ला दूंगा इसका वाटरप्रूफ टेस्ट वीडियो। तो आज ना गाइस आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप बीट एक्सपी मार्व एस स्मार्ट वॉच लेते हो तो कैसे आप अपने इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ये जो स्मार्ट वॉच है ना, आपका एंड्रॉइड फोन के साथ भी कनेक्ट होगा और आईफोन्स के साथ भी कनेक्ट हो जाने वाला है। ये किस एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, चलो आगे आपको बताता हूँ। गाइस मेरा नाम है निमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियोस लाते रहता हूँ। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये मेरे पास जो है ना एक सैमसंग का एंड्रॉइड डिवाइस है। ये जो आपका स्मार्ट वॉच है, ये आपका आईफोन, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड टैबलेट्स, आईपैड सबके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है वो आपका गूगल प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर दोनों जगह अवेलेबल है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर और आपको क्लोजली दिखाता हूँ कैसे आपको इसको कनेक्ट करके सारे फीचर्स को एक्सेस करना है। सो गाइस बीट एक्सपी मार्व एस स्मार्ट वॉच ना हमारे एंड्रॉइड टैबलेट्स, एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स, आईपैड, आईफोन्स सबके साथ कनेक्ट होने वाला है। मेरे पास एंड्रॉइड टैबलेट है रियलमी पैड मिनी। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे ना आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना पड़ेगा, बीट एक्सपी ट्रैक, ये ऑरेंज कलर का आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसको आपको अपने मोबाइल फोन पर या फिर अपने डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। ये जितने भी परमिशंस मांगेगा आपको सारे परमिशंस को अलाउ करने हैं, ताकि आपको सही से ये स्मार्ट वॉच सारे नोटिफिकेशंस दे पाए, कॉल का अलर्ट दे पाए, म्यूजिक प्लेबैक दे पाए। तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे सारे परमिशंस अलाउ करने पड़ेंगे। इस ऐप को जैसे आप ओपन करोगे ना, तो आपको एक जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा या फिर फेसबुक आईडी से लॉगिन कर सकते हो, और आपका फिर यहाँ पे ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइस वाले ऑप्शन पे चलेंगे तो यहाँ पे एड डिवाइस का ऑप्शन है, यानी कि स्मार्ट वॉच को सर्च करेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। आपको ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा, तब ये आसपास के डिवाइसेस को सर्च करने वाला है। तो यहाँ पे इसे अलाउ कर दो, ये अब ना आसपास के स्मार्ट वॉचेस को सर्च कर रहा है। तो काफ़ी क्विकली बीट एक्सपी मार्व एस हमारा आ चुका है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पॉपअप ना स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिल जाएगा। ग्रीन बटन को क्लिक करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, रेड को कर दोगे तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पे क्लिक करते हैं और देखो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारा स्मार्ट वॉच यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। आपको इनिशियल सेटअप यानी कि आपको एक ट्यूटोरियल की तरह ये बताने वाला है, अगर आपको नहीं आता है तो स्किप करते हैं, क्योंकि मैं तो आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर देख सकते हो और कनेक्शन का साइन देख सकते हो, हमारा स्मार्ट वॉच अभी कनेक्ट है। देख सकते हो एक न्यू सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना अभी बीट एक्सपी ने अपने सारे स्मार्ट वॉचेस के अंदर रोल आउट करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे करके सबको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो एक अपग्रेड आ चुका है, अभी करना चाहोगे तो कन्फर्म करके आप कर पाओगे, मैं लेटर करता हूँ क्योंकि मैं आपको इसको बाद में एक अलग से वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। एंड हाँ, अपग्रेड करने टाइम ये ध्यान रखना कि आपके स्मार्ट वॉच का बैटरी 50% से ऊपर रहे। तो फिलहाल हमारा स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो चुका है और ये ना आपको स्मार्ट वॉच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, ऊपर देखो ब्लू हो चुका है, हमारा स्मार्ट वॉच हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है। स्टेटस वाले ऑप्शन पे चलोगे ना तो आपके स्मार्ट वॉच पे आपने कितने स्टेप्स चले इसको पहन करके वो आपको देखने को मिलेगा। हार्ट रेट डेटा, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, मतलब जितना फिटनेस रिलेटेड डेटा है ना, वो आपको इसके स्टेटस वाले ऑप्शन के अंदर नजर आ जाएगा। डिवाइस वाले के अंदर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड यानी कि स्मार्ट वॉच से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स मिलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे गाइस आपको वॉच फेस गैलरी मिलता है, इस पे चलोगे तो इस पे ना आपको बहुत सारे क्लाउड बेस्ड बहुत सारे फ्री के वॉच फेसेस मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस, और इनको ना आप हर दिन यहाँ पे डाउनलोड करके अपने स्मार्ट वॉच के अंदर नया मजा ले सकते हो। आपको हमेशा आपका स्मार्ट वॉच ना एक अमेजिंग सा फील दिलाएगा। जैसे मान लो मैं इसे इंस्टॉल करना चाहूंगा ना, बस यहाँ पे सिंक्रोनाइज बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये डाउनलोड होगा काफी क्विकली, 100% हो जाएगा और ये जो वॉच फेस है आ जाएगा हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर। देखो काफ़ी फास्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट अच्छा रहेगा तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आ चुका है, इसके अंदर आपको 1.85 इंचेस का बड़ा स्क्रीन मिलता है ना, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कितना ज़्यादा कूल आपको यहाँ पे देखने को मिल गया इसका वॉच फेस। फिर यहाँ पे कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपको नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन के अंदर ना यहाँ पे कुछ कुछ ऐप्स देखने को मिलते हैं, जिनके नोटिफिकेशंस आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इनफैक्ट आपको ना
पूरे आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे या फिर आईफोन पे जितने ऐप्स हैं ना, मतलब एंड्रॉयड के भी जो ऐप्स रहते हैं उनका भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन एंड ऑफ करने का फीचर मिल जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ना चाहूँगा कि मुझे YouTube का नोटिफिकेशन मिले तो मैंने ऑन कर रखा है, SMS का भी मैं चाहूँगा तो इसको अलाउ कर दूंगा, WhatsApp पे मुझे किसने क्या मैसेज भेजा वो मुझे स्मार्टवॉच पे दिखे तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे SMS, Facebook, ये सब कुछ ऑन किया हुआ है। तो अब क्या होगा, नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है तो कोई मुझे मैसेज करता है ना तो मुझे अपनी स्मार्टवॉच के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशंस वाले पैनल के अंदर वो मैसेज या नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इनकमिंग कॉल रिमाइंडर है, इसको मैंने ऑन कर रखा है, ये आपका जब आप कनेक्ट करोगे तो ऑफ पे रहता है, इसको आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा ताकि जो भी कॉल आएगा ना वो आपको अपनी स्मार्ट वॉच पे अलर्ट दे पाए, तो उसके लिए आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। एंटी लॉस्ट रिमाइंडर है, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब का मोड मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करने के बाद ना आपका स्मार्ट वॉच ना ही तो वाइब्रेट करेगा, ना ही ये रिंग करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। तो अगर आप ऑफिस पे हो, क्लासरूम पे हो, कोई मीटिंग पे हो और आप नहीं चाहते हो कि आपका स्मार्ट वॉच आपको डिस्टर्ब करे तो DND मोड को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, वरना आप इस पे भी क्लिक करोगे ना स्मार्ट वॉच पे तो आपका DND मोड यहाँ पे ऑन एंड ऑफ हो जाता है। देखो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों जगह से DND मोड को एक्सेस कर सकते हो। अलार्म क्लॉक का फीचर मिलता है, यहाँ पे आप जा करके ना अलार्म लगा सकते हो, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो अलार्म सेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच से भी अलार्म लगा सकते हो, वरना आप इसके एप्लीकेशन से भी यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो, इसके अंदर आप 3-4-5 अलार्म्स आराम से लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सीडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, ये क्या है ना, जैसे आप बहुत देर से बैठे बैठे रहते हो तो ये आपको रिमाइंड करेगा कि उठो, थोड़ा चलो फिरो, बैठे बैठे रहोगे तो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसके इंटरवल को आप डाल सकते हो, जैसे आप अगर 1 घंटा डाल देते हो तो 1 घंटे के बाद आपको रिमाइंड देगा कि आप 1 घंटे से बैठे हुए हो, पोजिशन आपने चेंज नहीं किया हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे सीडेंटरी रिमाइंडर कितने घंटे का आपको यहाँ पे लगाना है। टाइम सेटिंग, डे सेटिंग भी मिल जाता है, यानी कि मान लो आपका मंडे टू सैटरडे रहता है, आप नहीं चाहते हो कि संडे को भी आपको रिमाइंडर दे, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको गाइस यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट मिलता है, यानी कि जितना आपका डिस्टेंस का ये जो टेम्परेचर का मेजरमेंट देगा, तो सेल्सियस पे चाहिए फारेनहाइट पे, मैंने सेल्सियस कर रखा है। डिस्टेंस यूनिट जो आपको मिलता है वो मेट्रिक पे या इंपीरियल पे चाहिए, मैंने मेट्रिक पे कर रखा है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डेट फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले आपको मिलता है, पहले ईयर दिखेगा, मंथ दिखेगा, डेट दिखेगा, डेट दिखेगा मंथ या ईयर, उसके बाद मंथ, डेट, ईयर। तो हमारा जैसा इंडिया पे बहुत ही कॉमन है, पहले डेट रहता है, फिर मंथ रहता है, फिर ईयर रहता है, तो मैंने बीच वाले को सिलेक्ट कर दिया। वाइब्रेशन 1, 2 times या 3 times, यहाँ पे आप वाइब्रेशन को अलग अलग यहाँ पे इसका सेटिंग आपको दिया जाता है, मैं 2 times कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि स्क्रीन कितने देर बाद इसका बंद होगा, तो मैंने 20 सेकंड कर रखा है, इसको आप मिनिमम 3 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड रख सकते हो, तो 20 सेकंड्स तक हमारा डिस्प्ले जो है वो बंद नहीं होगा। रेस टू वेक का फीचर मिलता है जो ऑन है, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे ना तो आपका यहाँ पे स्मार्ट वॉच जो है ना वो फ्लिप करने पे वर्क नहीं करेगा, और आप अगर इसको ऑन रखते हो तो आपको बिना बटन दबाए स्क्रीन को इस तरीके से जब फ्लिप करते हो ना तो आपको इसके अंदर टाइम देखने को मिल जाता है, इसका स्क्रीन ऑन हो जाता है। पीरियड ट्रैकर का ऑप्शन मिलता है, ये फीमेल्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन, पीरियडिक ड्यूरेशन, द लास्ट पीरियड कब आया, पीरियडिक रिमाइंडर, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को। तो फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए ये काफ़ी एक अच्छा स्मार्ट वॉच होने वाला है, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा आपको अलर्ट ये सब देने वाला है। कैमरा का ऑप्शन मिलता है, ये एज अ शटर बटन वर्क करेगा, यानी कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो फोटो हमारे इस मोबाइल फोन पे या डिवाइस पे हमारा क्लिक होने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे फोटो क्लिक हो चुका है और फोटो हमारे गैलरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा। फिर आपको यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया हुआ होगा आपके स्मार्ट वॉच से रिलेटेड तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो हमारा लेटेस्ट वर्जन आ चुका है और अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है अपग्रेड करने के टाइम। फिर आपको फोन बुक का ऑप्शन मिलता है, प्लस बटन पर जाकर के आप अपने कॉन्टैक्ट्स के कुछ नंबर अपने फोन बुक पर डाल दोगे ना तो आपको अपने स्मार्ट वॉच के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे और आप उनसे यहीं पर टैप करके डायरेक्टली कॉल करके बात कर पाओगे। स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैंने कोई भी स्टॉक मार्केट हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर ऐड करके नहीं रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा स्टॉक मार्केट, अभी मैंने फिलहाल कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो देखो गाइस मैं इसे ऐड करना चाह रहा हूँ ना बट ये ऐड नहीं हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है ना, BeatXP का जो एप्लीकेशन है ना वो थोड़ा सा ना सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत लोग वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं हो रहा, हमने नया ले रखा है, तो ये BeatXP का सर्वर इशू है जो मुझे लगता है कि जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा। तो आप ट्राई करते रहना, अगेन एंड अगेन आपका जरूर कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप ना कुछ कुछ वर्ल्ड क्लॉक को ऐड कर सकते हो, जैसे अगर मेरे कोई लोग जो है, मेरे अपने लोग हैं या फिर मेरे कोई जानने वाले लोग हैं जो मान लो बाहर रहते हैं, मान लो मेक्सिको पे रहते हैं, मैंने मेक्सिको सेलेक्ट कर दिया, अब क्या होगा ना,
उनका यहाँ का जो टाइमिंग है ना वो मैं अपने स्मार्ट वॉच पे देख पाऊंगा, वर्ल्ड क्लॉक के अंदर मुझे उनका यहाँ का भी टाइम देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके अंदर ऑलरेडी दो लिंक्ड थे, लंदन का लिंक किया हुआ जो मैंने किया था, न्यूयॉर्क का किया है और अब मैंने मैक्सिको सिटी कर दिया है, तो इसके अंदर मुझे ना उनका भी टाइम देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि मुझे आइडिया मिलेगा कि अच्छा हमारे यहाँ 8:42 हो रहे हैं, उनके यहाँ कितना हो रहा है। तो बार बार गूगल पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्मार्ट वॉच के अंदर ही उनके यहाँ का टाइम भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस लास्ट में आपके यहाँ पे अनपेयर का बटन मिलता है, जिसको आप क्लिक करोगे ना तो आपका स्मार्ट वॉच यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाने वाला है। फिर आपको मी वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा, अपना फोटो डाल सकते हो, अपना गोल सेट कर सकते हो कि आपका कितना डेली का टारगेट है। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे गूगल फिट एप्स है, आप इसके डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप अपने BeatXP Marv 8 स्मार्ट वॉच को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आते हैं कंक्लूजन पर, ये जितने कम प्राइस में आ रहा है ना, 799 रुपए में इतने सारे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब तक ना इतने सारे फीचर्स वाले जो स्मार्ट वॉच आते थे ना वो आपको 1200 से 1500 रुपए के रेंज के अंदर देखने को मिलते थे, और BeatXP ने BeatXP Marv 8 को लॉन्च किया रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में आपको सेल पे मिल रहा है, वरना इसका 999 या 1499 ऐसा प्राइस हो जाएगा। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो ना, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है और आप किसी चीप चाइनीज स्मार्ट वॉच लेने वाले थे तो मत लेना, इसको ले लो। इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है, अच्छा फीचर्स, अच्छा बिल्ड क्वालिटी, अच्छा लुक, डिजाइन सब कुछ मिल जाएगा। तो कोई और चाइनीज अल्टरनेटिव मत लेना, अभी का सबसे बेस्ट चॉइस 800 रुपए के नीचे ना आपको BeatXP Marv 8 स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। इस स्मार्ट वॉच की जो बेस्ट बाय लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप इसे खरीद सकते हो और इसको अपना बना सकते हो। इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।